गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एसके एजुकेशन ट्रैक इंग्लिश प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इंग्लिश लैंग्वेज रो एक पिकुलर मेटेड बोली चर्चा हुए। यह को नियमित प्रैक्टिस करले परीक्षा रे सफल होबा सहित सरकारी चाकरी घरै चाकरी रे नियुक्ति मिलिबार अनेक सुजोग रहैछ। कॉम्पिटेटिव बैंकिंग रेलवे सिविल सर्विस एपरि अनेक परीक्षा रे किछि प्रीपोजिशन को नै प्रश्न आसे और सेही प्रश्न गुड़ी को मेमोरी रिलेटेड थिबा हेतु ताको एक क्रामिंग मेथड रे मध्ये अनेक कॉम्पिटिटर प्रैक्टिस करी अनेक बड़ा बड़ा परीक्षा रे मध्ये सफलता हेउछन। वास्तविक भाषा को नहीं सफलता पाइबा किंतु भाषा को नहीं समाधान करिबा एक भिन्न प्रक्रिया। दशम श्रेणी रे पढ़ुथिबा भाई भणी मानक पाई प्रीपोजिशन 1 मार्क को कवरेज करिबा आनिबा पाई बड़ चैलेंज होई थाए। मैट्रिक परीक्षा रे 1 मार्क रो प्रीपोजिशन परीक्षा रे सिखाए लर्न एंड प्रैक्टिस ग्रामर। याव को हमें किमिति पढ़िबा, याव को हमें किपरि मने रखिबा, या को हमें किपरि गोसिबा, ए तीनटी प्रक्रिया जेते बेले भाषा गतिशील हुए रूपांतर को नै बा ट्रांसलेशन को नै। ट्रांसलेशन जदि हमर प्रैक्टिस अछि हमको प्रीपोजिशन पई स्पेशल कोर्स स्पेशल इनपुट स्पेशल एक्टिविटी करिवार आवश्यक। हमें ताको आज प्रमाणित करिबा जे ट्रांसलेशन द्वारा हमें इंग्रजी प्रीपोजिशन रे किपरि समर्थ होई परिबा से विषय आज हमें छोटिया क्लास टी अपन मान प्रेजेंट करू छु। आसन आरंभ करिबा टीच एंड केयर सेक्शन को हमें वेलकम करू छु। एसके एजुकेशन ट्रैक रो इंग्लिश रो विभिन्न सेक्शन रही छी से सेक्शन भीतर आज हमें गोटे सेक्शन अपन पहुंचाउ छु जा होती टीच एंड केयर सेक्शन। एही सेक्शन रे हमें देखिबा एही सेक्शन केवल स्टूडेंट मानक पाई नहि एही सेक्शन टीचर्स मानक पाई मते कनेक्ट रही छी। तेनो टीचर्स मानक निवेदन रहू छी स्टूडेंट्स मानक निवेदन रहू छी ई ऊपर एक क्षणिक कमेंट करिवार अवसर रही छी एवं आमे मध्य आपन बठारु सिखिबार अधिकार रही छी। तेनो निवेदन करू छी वीडियो देखिला परे गठनमूलक मतामत देबे गठनमूलक कमेंट करिवे जे हमको करेक्शन अपाय सुधर सोच करियो। आसन आरंभ करिवा प्रीपोजिशन केते सहज ता जामे आचरण करिवा गोटिए सेंटेंस को नै आमे ए तथ्य आपन मानक प्रेजेंट करू छी। आमे देखिबा द मीटिंग स्टार्टेड डैश 10 o'clock। वर्तमान ए जो गैप रही से गैप रे इन आर्ट ऑन बाय एही चार ऑप्शन दिए जाइछ। जेते बळे परीक्षक प्रश्न तैयारी करि थाय बा प्रश्न पत्र रखि थाय सर्वदा से माने टेक्स्ट बुक रे थिबा व्यवस्था को नै प्रश्न करि थाय सेथिरे केवल क्रामिंग मेंटालिटी डेवलप हेबा छड़ा अन्य किसी उपाय न था जहाँ आज प्रश्न पत्र को आम देखला पर अनुभव करुचु। तेणु एथिरे बर्तमान चारोटी ऑप्शन भितर इन आर्ट ऑन बाय क्यों ऑप्शन टी करेक्ट हे एपाय आपन को बेस किसी रिक्स नाक पड़ा ना कारण यार उत्तर आपं नोट्स यूट्यूब चैनल टेस्ट पेपर रे अच्छे बहिरे मध्य अछि। ताले आमे नुवा कौन कलिया जेते बेले स्टूडेंट मानकर नॉलेज को आमे एनहांसमेंट करिवा पई जेते बेले हम चिंतन करू छु ताले आमे एग्जैक्ट सेंटेंस को परीक्षा रे पचरा जाउ छी। ताले तो जणे भलो मेमोरेबल भलो शार्प मेमोरी थिबा स्टूडेंट ता पई ए सब रो किछि आवश्यकता न थाए से वाक्य देखु देखु से प्रीपोजिशन को क्लिक कर दबो जहाँ 1 मार्क पाइबार कन्फर्मेशन को सी पड़ जाए। परीक्षा पद्धति द्वारा कौन आम आशंका करवा वास्तविक इंग्रजी भाषार विकास भाषा विकास को नहीं गोटे राष्ट्र एवं गोटे जातिर विकास इम्पॉसिबल कारण जितेबाला सब क्रामिक मेथड रे प्रश्न तैयारी विशेषत ओडिया मीडियम पढ़ुआ भाई भाई मान कथा आलोचना करवा किंतु सीबीएस एपरी देखा जाए ना सीबीएस यार प्रश्नगत ढांचा भिन्न रही है।
तेणु जब आम एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी को कंपेयर करिबा एनसीईआरटी रे जो क्वेश्चन फॉर्मेशन करा जाए ता डिफरेंट रहूची एससीईआरटी ठा एससीईआरटी रे जो प्रश्न तैयार कर दोची जाको आम क्रामिंग क्वेश्चन फॉर्मेशन बोली आम ताको कहि पारिबा ताले वर्तमान आम या पर आलोचना करिबा जे वास्तविक द मीटिंग स्टार्टेड डैश 10 ओ'क्लॉक ए जो गैप रहिची चारोटे ऑप्शन रो केओ ऑप्शन लगेबा हम पाई चैलेंज रहउची ए चैलेंज को चेंज करिबा बोले ए वाक्य को जदी आमे प्रथमे प्रैक्टिस करिबा यार कोन हे परिबो बैठकटी 10 तारि आरंभ होला ए होउची तारो रूपांतरण बा ट्रांसलेशन ताले हम आलोचना करिबा वर्तमान टी टी सहित दर संपर्क बैठक सहित मीटिंग रे संपर्क आरंभ हैला ए दुईटी हेउची स्टार्टेड रे संपर्क 10टा वर्तमान 10 ओ क्लॉक ताले गोटिए रहिला सेटा होची इन आर्ट ऑन इन माने रे आठ माने रे ऑन माने रे बाय माने मध्य रे ताले पिला मन रे एते कंफ्यूज क्रिएट करिबा अपेक्षा यदि आमे मीटिंग 10 तारे आरंभ होला मीटिंग इज स्टार्टेड एट 10 ओ'क्लॉक ताले ए जगह रे आमे यदि मात्र आठ यूज करिबा प्रैक्टिस करिबा पय कोन सुविधा हेबो आमे आको प्रैक्टिस करिबा द मीटिंग स्टार्टेड एट 10 ओ'क्लॉक द मीटिंग स्टार्टेड एट 10 ओ'क्लॉक अर्थात स्टार्टेड 10 ओ'क्लॉक ए 10 ओ'क्लॉक एको फ्रेज ए परि फ्रेज गुडी को जदि आमे देखिथिबा पढ़िथिबा सुनिथिबा प्रीपोजिशन में स्पेशल टाइम बाहर करी स्पेशल ऑपरेशन करिबा आवश्यक तेणु आर 10 ओ'क्लॉक अर्थात इथिरे गुरुत्वपूर्ण विभाग रही छी ए जो ओ परे जो आमे गुडे अपोस्ट्रोफी दिया है छी यार अर्थ कोन अपोस्ट्रोफी काहे दिया जाय छी अपोस्ट्रोफी रो अर्थ कोन ए परि अनेक प्रश्न आमो साइट रु टीचर साइट रु स्टूडेंट मानन को मन रे प्रश्न तैयारी करी उत्तर करिवार प्रक्रिया को जदि आमे स्पर्श करिवा ताले वास्तविक पाठ पढिवार ए उत्तर पाइवा सहित नुवा विषय विशेष की पारिबो जे यार एक्चुअल अर्थ होची ओ परे जो अपोस्ट्रोफी रही छी यार वास्तव अर्थ होची ओ तेणु जड़े स्टूडेंट मन में शिक्षक प्रति भल धारण सृष्टि हो शिक्षक जड़े दक्षता आड़ चली निश्चित कारण 10 ओ क्लॉक अर्थात 10 परे ओ ओ परे जो अपोस्ट्रोफी रही स्टूडेंट मन में डाउट को आम आउट करने को 10 ओ क्लॉक तार अर्थ एथेरे ओ परे जो अपोस्ट्रोफी रही तार अर्थ होची ऑफ तेणु आम यही ऑफ वर्ड पिला मन सृष्टि कले जाक्य उत्तर से स्टूडेंट पाई ट्रांसलेशन शिखि पारा इन आर्ट ऑन रो समान शब्द समान रही तार अर्थ रही कि व्यवहार में आम आर्ट कले पढ़ा समय आर्ट 10 ओ'क्लॉक आर्ट 10 ओ'क्लॉक लिंग्विस्टिक चंक कहुए लट्स अफ चंक्स कैन इम्प्रूव योर लैंग्वेज स्किल कथा अच्छी ताले 10 ओ'क्लॉक हो तार करेक्ट आंसर आम बुझा दरकार वास्तविक एपरी प्रैक्टिस एपरी क्रामिंग एपरी लर्निंग अनेक प्रक्रिया रही जिते ट्रांसलेशन को निजर करवा प्रीपोजिशन स्पेशल समय देवा दरकार ना कारण से ही अनुसार गोटे वाक्य तैयारी था तेणु ए 10 आरंभ है मीटिंग टी अर्थ हो तो आम पूरा आपको एक्सप्लेनेशन कराऊँ वास्तविक इंग्लिश लैंग्वेज के डिफिकल्ट नुह आम डिफिकल्ट कराऊ कि आम डिफिकल्ट आड़ को धाऊँ ए दुटा कारण तार अच्छी तेणु वास्तविक आम देखा ये जो आम प्रश्न आज जो बोर्ड देखीचु यह हूँ 10th क्लास एक्टिविटी 2 प्रीपोजिशन सेक्शन अच्छी देखिपारे तेणु एपरी प्राक्ट द्वारा आम यहाँ अधिक गुरुत्व किंतु प्राक्ट क्यों टाइप करवा दरकार प्राक्ट टू टाइप्स क्रामिंग एंड क्रिएटिंग दुई प्रकार प्रैक्टिस रही आम सर्वदा क्रामिंग प्रैक्टिस कले सक्सेस आसो ना क्रिएटिव प्रैक्टिस करवा दरकार जहाँकि सक्सेस आड़ आम जापर तेणु प्राक्ट मैक्स मैन परफेक्ट दिस ड्रॉइंग इज 100% करेक्ट बट प्राक्ट वुड बी अपडेट एंड प्राक्ट वुड बी क्रिएटिविटी देन एवरीथिंग विल बी ओके एंड फाइन तेणु आम आलोचना करुचु आज जो प्रिपोजिशन सेक्शन उपर जो डाउट रोचे स्टूडेंट मानक वास्तविक प्रिपोजिशन एक डिफिकल्ट सेक्शन यहाँ
कवर करने अनेक समस्या रही किसी समस्या ना ये समस्या को अधिक सल्व करने एसके सेंटर आप पचर रही आज ही आम चैनल को देखो ओवर फेसबुक टेलीग्राम इंस्टाग्राम ऑल काइंड्स ऑफ सोशल मीडिया लॉन्च करूँ बिकॉज एजुकेशन शुड जॉन फास्ट थैंक्स फॉर वाचिंग दिस प्रोग्राम बाय एसके सेंटर।